गांव के मचान से जानेंगे पंचायत का हाल। बहुत सारे लोग हैं, सुबह सवेरे होते हुए यहां पे सरगर्मी तेज हो जाती है। चुनाव का बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। कहरा प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव होना है। सुबह होते ही चाय की दुकान हो या गांव की मचान हो, चर्चा शुरू हो जाती है कि पंचायत की क्या स्थिति है, अभी लोग क्या चाहते हैं, लोगों का मिजाज क्या है। अभी हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले के कहरा प्रखंड के सिरादे पट्टी पंचायत में। यहां भी हम जानेंगे लोगों का मिजाज क्या हुआ है इस पंचायत में विकास, या अभी तक जो मुखिया जी हैं वो लोगों को ठग रहे हैं, और लोग यहाँ की जन समस्या क्या है, लोग क्या चाहती है, किस उद्देश्य से लोगों का मत डलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य या जो भी मूलभूत समस्या है उसकी इस पंचायत में क्या स्थिति है। तो सुबह होते ही मचान पे यहाँ लोग बैठते हैं, चर्चाएं शुरू होती है पंचायत में, और लोगों से लोग अपने मिजाज को एक दूसरे से शेयर करते हैं। चुनाव नज़दीक है, 29 सितंबर को कहरा प्रखंड में आपके पंचायत का चुनाव होना है। क्या अभी तक आपके पंचायत में काम हुआ है? काम तो हुआ, जो टूटी फूटी हो गया उसके बाद हम लोग को नला का आवश्यकता था, कीचड़ में जाते हैं आते हैं, वो काम नहीं हुआ है। और कहीं कहीं वेपर लगाया है, कहीं कहीं बहुत कष्ट में लोग हैं जो वहाँ वेपर नहीं लगा है। और जनता के पास कुछ कुछ कठिनाई है, अभी तक कोई कोई गली में रोड नहीं बना, जहाँ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ 2 फीट 4 फीट में हमको रोड चाहिए, वो बोल दिया कि बना देंगे, अभी तक बना नहीं। और शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा उस पर तो कोई निगरानी नहीं है, अगर उस पर कोई देखने, कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं रात में, उसको लिए भी कोई निगरानी नहीं है, कोई निगरानी नहीं, कोई निगरानी नहीं। अपना क्या मिजाज है इस बार आप लोगों का? मेरा मिजाज है कि पलटी करना है, अब की बार दूसरा मुखिया बनाना है मेरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामविलास यादव हुआ। कौन पंचायत से? सिरादे। तो लोग अपना मिजाज बता रहे हैं, बहुत सारे लोग। कैसा काम हुआ है पंचायत में अभी आपके? पंचायत में जो है ना, जल नल वाला काम जो है बढ़िया ही, बाजार में चलता है 5-6 घंटा पानी, उसके बाद यहाँ जो है सिरादे पट्टी में 2-1.5 घंटा पानी कभी काल आता है, और या तो नहीं आता है, और फूटा हुआ पाइप है, कहीं लीकेज है, उसका कोई देखनहार नहीं है। क्या समस्या है और कोई समस्या है? और समस्या है, और देख लीजिए वहाँ पानी लगा हुआ है 4 नंबर वार्ड में, उसके बाद जाने आने में दिक्कत पूरा हो रहा, कठिनाई हो रहा है हम लोग। मुखिया जी तो बोल रहे हैं काम हुआ है पंचायत में बहुत। जी नहीं, अगर काम होता तो अभी आप देखबे किए हैं। क्या मिजाज है आप लोगों का? हम लोग का मिजाज आपकी बार जो है ना मुखिया को बदलना है, परिवर्तन का मिजाज। जी कौन पंचायत है? सिरादे पट्टी पंचायत। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं क्या मिजाज है उनका। पंचायत में कैसा काम हुआ? सर कुछ नहीं हुआ। मुखिया जी बोलते हैं बहुत काम कुछ हुआ। अभी आप वर्तमान में देखे, वहाँ जो पानी बह रहा है, हम लोग गांव वाला चंदा करके उसमें पाइप लगाए हैं, अब भैपर जो है देता है, कहीं पे बसौना में दिया है तो दिघिया में दिया, भर्रा में दिया, एक से ज्यादा कहीं पे नहीं। कोई आदमी उसको मुखिया जी को मांगने जो हमको चाहिए भोपाल, हमारे पास दिक्कत है, उसको बोला इतना मारेंगे जूता खोल करके, वहाँ ढोली तक ले जाएंगे तुम घिस जा करके, मुखिया जी गाली दिया उसको। मां दो ये दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। शिक्षा स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? शिक्षा का कोई देखने वाला उसको नहीं है, थोड़ा बहुत जो काम हुआ है वो हमारे प्रमुख किया है, मुखिया कुछ नहीं किया है, पंचायत के लिए कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का भी स्थिति खराब है, अगर वो भी देखभाल करता है तो थोड़ा बहुत प्रमुख साहब करता है, और कोई नहीं करता है। क्या मिजाज है इस बार आप लोग? इस बार हम लोग बदल देंगे। लोग अपना मूड बता रहे हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या मिजाज है इस बार। हम लोग तो चाहते हैं सर, ये मुखिया से कोई काम नहीं है, हम सिरादे महारथा गाँव से हैं, हमारे घर के आगे रोड का इतना समस्या है, हमारे घर के आगे इतना पानी लग जाता है, और मुखिया भी बोले इतना दिन जो कम से कम ये रोड बनवा दीजिए हमको, कभी भी हम लोग को ध्यान नहीं दिया है, वो आज तक अभी नहीं बनवाया, वैसे दिक्कत से परेशान है हम लोग। मुखिया जी तो बोलते हैं बहुत काम हुआ, कोई काम नहीं किया है, वो लोग काम नहीं हुआ है, हुआ है। कौन पंचायत है ये? ये सिरादे पट्टी पंचायत है, हमारा गांव है मारथा गांव से बोल। क्या मिजाज है, कितना काम हुआ है आपके पंचायत में? काम तो किया है लेकिन काम अधूरा किया है, पैसा पेमेंट फुल हो गया है, कागज पे काम फुल हो गया है, सरजमीन पे काम अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे घर के आगे एक रोड बनाया है,
वो पक्की सीमेंट वाली ईटा है, उसमें दोनों तरफ से एक एक फीट ढलाई होना चाहिए, वो ढलाई नहीं किया है। और ईटा जो है 6 फीट लगाना चाहिए, वहाँ पे 2 फीट लगा करके पैसा पेमेंट ले लिया है। अब कहते हैं तो कहता है अब क्या होगा, जो होने का अगला बार अमाउंट बनेगा तो होगा, अब या नहीं होगा। वहाँ का मट्टी जो है निकल गया, ईटा वहाँ से घसक गया, रोड फिर वही का वही है, जाने आने में बहुत कठिनाई होता है। जहाँ पे रोड वाजिब है और मुखिया जी को बोलता है बनाने के लिए, तो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, आएगा तो हम बनाएंगे। मुखिया जी बोलते हैं पंचायत में बहुत काम किए। काम कुछ नहीं किया, काम दिखाएगा तब तो, कहाँ काम किया है, कौन काम किया है, कोई काम दिखाएगा ना जो मुखिया जी कौन हम ये काम कर लिए हैं। पब्लिक को तो कोई सुविधा नहीं है। क्या मिजाज है इस बार आप लोगों? इस बार तो बदलेंगे, देखते हैं दूसरे मुखिया को बना करके क्या वो करेगा, तो ठीक है नहीं करेगा तो उसको भी चेंज कर देंगे। लोग अपना यहाँ मिजाज बता रहे हैं कि लोगों का क्या मिजाज है, तो यहाँ पंचायत चुनाव नजदीक आते ही कहरा प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव होना है, और सुबह होते ही गांव में पंचायत में चाय की दुकान हो या मचान हो, वहां लोगों का जमावड़ा लगता है और चर्चाएं शुरू हो जाती है कि पंचायत की क्या तस्वीर है, इस बार क्या होगा, इस बार क्या करना है। तो चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। एक तरफ मुखिया जी कहते हैं हमने पंचायत में खूब विकास किया है, दूसरी तरफ यहाँ पंचायत के लोग बता रहे हैं कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए पंचायत में, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। आप आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ की जो पंचायतवासी है, यहाँ की जो जनता है, इनका मत किधर जाएगा, इनका प्यार आशीर्वाद किस प्रत्याशी को जाएगा, और जो प्रत्याशी के सर जीत का सहरा जाता है, क्या सच में वो प्रत्याशी पंचायत में सरजमी पे काम करते हैं। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।